रेजिग्नेशन मापोद्रा का रखिए। एक बात याद रखिए पाटिल सर, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इतना बता देता है बापोद्रा। वही तो सर, क्या बात? आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई, आप उसका पेमेंट करके उसे कलेक्ट करवा सकते हो। और ये कोर्ट के ऑफिशियल्स कुछ डॉक्यूमेंट देने आए हैं आपको, और आपको कंपनसेशन के तौर पर 5 लाख देना है विक्टिम के परिवार को। जी वो मानूस गाड़ी वापस इस चौल में नहीं आएगी, उस गाड़ी की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था। अरे बेचने के लिए लानी तो पड़ेगी ना सुशी, इधर नहीं लाऊंगा, बस तू शांत हो जा। और सर आपको वो कंपनसेशन और उसकी सारी डिटेल मुझे मेल करनी है ऑफिशियली। जी 5 नहीं 10 लाख देगा बापोतरा, वो विक्टिम नहीं है, फैमिली है हमारी। और भास्कर के बेटे आरव के पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल, हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, वो हमारा परिवार है। चलते आप पाटिल साहब के ऑफिस गए थे ना, क्या हुआ? इस्तीफा दे दिया ऐसे अचानक? ये सब अचानक ही होता है जुगल। फोन आया था, मिलने गया उनको तो बोले कि पार्टी की इमेज को धक्का पहुंचा है, एक्शन ली, ये दिखाना तो पड़ेगा। ये सब उस ऑडियो क्लिप की वजह से हुआ है, त्रास फैला दिया है सच में। ये सब उस क्लिप के वजह से नहीं हुआ है पापा, मेरे कारण। मेरे घर है प्रार्थना, ये राजनीति है बेटा, काम का पगड़ी अपने सर पर मत ले। बापोद्रा को बलि का बकरा बनाया गया है लोगों को शांत करने के लिए। बापोद्रा जी अपने सायन की जनता के लिए कितना कुछ किया है ये सब जानते हैं, भी बस शांत रहिए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, चल सुशी आशावरी को कॉम्पेंसेशन का चेक दे देते हैं। आजा पुष्पा। ये कॉम्पनसेशन का चेक बस यही बाकी रह गया। ये कीमत लगाई है आपने मेरे भास्कर की जान की, 10 लाख। से कैलकुलेट किया आपने अमोल का काम, आपने वो खुशियां गिनी जो पास
घर के होने से थी। आरफ के ऊपर जो बाप का साया था उसे कैलकुलेट किया आपने। एक माँ के इकलौते जवान बेटे की क्या कीमत लगाई है आपने काका, बताइए कैसे कैलकुलेट किया आपने? अम्मा आप इस आपके बहुत पक्के हैं ना काका, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। कैसे कैलकुलेट किया आपने 10 लाख रुपए? अश्विन मेरे साथ आशावरी के घर चलो। अभी क्यों? भास्कर को जाकर 1 महीना हो गया अश्विन, आशावरी ने अभी तक माफ नहीं किया हमें। उसके दिल और दिमाग में अभी तक उतनी ही नफरत है हमारे परिवार के लिए। 1 महीने तक उसने बात नहीं की है मुझसे, ऐसा कब तक चलता रहेगा अश्विन? कोई ना कोई सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना इसका। मैं काम करता हूँ, पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। जब तक वो मुझसे नाराज रहेगी तब तक वो किसी से बात नहीं करेगी, खासकर की प्रार्थना से। प्रार्थना तो बेचारी फंस ही गई है, अचानक सब कुछ इतना बदल सा गया है। किसी की कोई गलती नहीं थी फिर भी सबके बीच में कड़वाहट आ गई है। आशावरी तुम बहुत क्लोज हो, वो तुमसे भी बात नहीं कर रही। तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन में समझ सकता हूँ, लेकिन भास्कर को खोने का सदमा कितना बड़ा है ये सिर्फ आशावरी समझ सकती है, हम नहीं। एक घाव भरने में लगेगा। मैं उसे एक बार बात करके देखता हूँ। आपने मुझे बोला है सर जी? अरे हाँ रमेश, आजा बैठ 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 बैठ। अरे सुशी, रमेश आया हुआ है, चाय रखना। ए भले। अच्छा रमेश, वो संगीता तय आई थी पाटिल साहब के साथ, वो चाह रहे हैं कि बापूतरा वापस काम पे आए, लेकिन बापूतरा डबल माइंड में कि क्या करूं। तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? सेठ जी ये तो आपने नेकी और पूछ पूछ वाली बात कर दी। आप जब से कॉर्पोरेटर बने हैं आपने पब्लिक की बड़ी सेवा की है, आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आप सोचिए मत, तुरंत हाँ कर दीजिए। नहीं बापूतरा भी वही सोच रहा है, लेकिन अकेले हाथ काम नहीं होगा भाई, तेरी भी जरूरत पड़ेगी। और पाटिल साहब को बोल दूंगा कि बापूतरा वापस काम पे तभी आएगा जब रमेश असिस्टेंट हो, बराबर? ले चाहिए ले चाहिए। सर, पुष्पा जी, मैंने एक गारमेंट फैक्ट्री के ओनर से बात की है, मींस के ड्रेस मटेरियल का काम है उनका। ड्रेस मटेरियल का जो स्क्रैप बचता है ना वो देने के लिए तैयार हो गया है। मैं सोच रही थी कि अगर वो स्क्रैप आप असावरी को दें और वो उससे बैग बनाए तो घर बैठे बैठे काम कर सकती है, मींस के उसका मन भी लग जाएगा और घर में तो पैसे भी आएंगे। और हो सकता है कि स्क्रैप सिलते सिलते बिखरे हुए रिश्ते भी जुड़ जाएं, डायरेक्टली ना सही पर कहीं ना कहीं हमारा परिवार उसके दुख का निमित्त तो बना है। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी असावरी की मदद करना तो हमारा फर्ज है ही। अब तो उसे इस दुख से बाहर निकालना और अपने पैरों पर खड़ा करना हमारी डबल जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप पुष्पा जी, मैं भी मेरे काउंसलिंग सेशन में ये बात असावरी के दिमाग में लाने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर असावरी के मन से हमारे लिए नफरत मिट गई ना तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप, मैं भी तो आप ही का परिवार हूं ना। और देखिए मैं मानता हूं कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होना चाहिए, आई मीन इट। मैं काम करता हूं, मैं असावरी से अभी बात कर लेता हूं। थैंक यू सर, जाता हूं। अरे विक्रम आओ ना। कहाँ है हमारा छोटा जाम? आ रहा मास्टर। आई के साथ मंदिर गया है। हाँ। वैसे इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्म सबमिट किया?
तुम बैठो, मैं फाइल लेकर आती हूँ। सॉरी, घर बैठे तुम्हारे लिए काम है मेरे पास, करोगी क्या? सिलाई तो मैंने स्कूल में सीखी थी, उसके बाद कभी ट्राई भी नहीं की। अब पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। अगर सोचोगी कि कर पाओगी तो जरूर कर पाओगी। वैसे भी कोई भी काम इंसान माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता ना, समय हमें सब सिखा देता है। और रही बात मशीन पर सिलाई की, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हें आती है? काफी साल अकेले रहा हूं, इसलिए सारे घर के काम आते हैं ऑलमोस्ट। मतलब रसोई से लेके झाड़ू पोछा, बर्तन, कढ़ाई, इलेक्ट्रिकल काम, प्लम्बिंग, जो बोलो सब। सच कहूं, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। हाँ, पर इस सब के लिए मटेरियल, डिजाइन और खर्चा, वो सब का टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। एनजीओ से स्क्रैप का कपड़ा फ्री में मिलेगा, वो भी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एट योर सर्विस। तुम्हें सिर्फ सिलाई करके चीजें बनानी है, दैट्स ऑल। फ्रॉम वेस्ट टू वाओ एंड वेस्ट टू बेस्ट। पर विक्रम, सिलाई के लिए मशीन कहाँ से लाएंगे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।